हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल. दिस इज डॉक्टर मुस्कान. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली में पीएचडी में करना क्या होता है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी मास्टर्स की है या मास्टर्स कर रहे हैं या जिनका अभी पीएचडी में जस्ट एडमिशन हुआ है, तो उनको जानना होता है कि हमें पूरे 3 साल में 4 साल में क्या कुछ काम करना होगा. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी थीसिस दिखा देती हूँ. वेट, ये देखिए, आपको इस तरीके से थीसिस लिखनी होती है, यानी कि आपको रिसर्च वर्क करना होता है. ये मेरी थीसिस है जो मैंने लिखी थी पीएचडी के दौरान. सो बेसिकली आपको करना क्या होता है, पीएचडी में एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना होगा, उसके अंदर आप एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, देन आप उसका अपनी रिसर्च वर्क के थ्रू सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं. अपनी पूरी थीसिस में आप बहुत सारे चैप्टर्स लिखते हैं जिसके थ्रू आप, जिस रिसर्च वर्क के थ्रू आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं. तो बेसिकली आपको ये पूरी थीसिस मेनली लिखनी होती है पीएचडी के अंदर, ठीक है. क्या प्रोसीजर रहेगा एंड तक, यानी कि फाइनल वाइवा के दिन तक, कैसे कैसे और क्या कुछ आपको करना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में दूंगी. सो वीडियो में एंड तक बने रहिए. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आपका कंडक्ट किया जाएगा कोर्स वर्क. कोर्स वर्क में क्या होता है ना, आपको बेसिक इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है रिसर्च के बारे में, आईसीटी के बारे में. लाइक फॉर एग्जांपल, कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, कौन कौन से मेथड्स होंगे, कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है. तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपको पढ़ाया जाता है आपको कम्प्लीटली थेरेटिकल नॉलेज प्लस थोड़ी बहुत कंप्यूटर के जरिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी. ये सबके लिए कॉमन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेशलाइजेशन और एरिया जिसमें आप जाएंगे, जिसमें आप रिसर्च वर्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो चाहे आप एचआर का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप मार्केटिंग का करते हैं, चाहे आप फाइनेंस का करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सभी को एक क्लास में बिठा करके इकट्ठे वहीं पर सबको पढ़ाया जाता है. उसके बाद ये जर्नली 6 मंथ्स का रहता है और जैसे आपको पढ़ाया जाता है मास्टर्स के अंदर, बैचलर्स के अंदर और एट द एंड आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी तरीके से कोर्स वर्क में भी एट द एंड आपके एग्ज़ाम्स होंगे जो आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है. सबके क्लियर हो ही जाते हैं एग्ज़ाम्स, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है. और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, देन आपको गाइड अलॉट हो जाते हैं, यानी कि आपको पूरी जो थीसिस लिखनी होगी ना, जो मैंने आपको अभी दिखाई है, पूरी थीसिस आपको लिखनी होगी, वो आप अपने जो गाइड है उनकी सुपरविजन के अंडर लिखेंगे, आपको एक गाइड अलॉट होंगे. यहाँ पे गाइड का काम ये नहीं होता है कि आपको पूरा थीसिस में, मतलब आपको प्रॉपर ही वो आपका करवाएंगे, काम करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप कहीं पे अटकेंगे या फिर आप कहीं पे कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको गाइड करेंगे. उनके गाइडेंस के अंडर आप पीएचडी करेंगे, उनके गाइडेंस में रहते हुए आप पीएचडी करेंगे. आपको नेक्स्ट क्या करना है वो आपके गाइड आपको बताएंगे, अदरवाइज काम सारा आपको खुद से करना होगा, रिसर्च वर्क आपको सारा खुद से करना होगा. सो यहाँ पे आपको गाइड अलॉटमेंट हो जाता है. देन उसके बाद आपको साइनोप्सिस प्रिपेयर करनी होती है. साइनोप्सिस का बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, जो आप आने वाले टाइम में अपने थीसिस में लिखने वाले हैं उसी को ही समराइज करके आपको शॉर्ट में साइनोप्सिस में लिखना होता है. फॉर एग्जांपल, क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, क्या आप प्रॉब्लम ले रहे हैं और किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, कितना सैम्पल साइज होगा, कौन से सोर्सेज होंगे, कैसे आप सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है साइनोप्सिस के अंदर शॉर्ट में. बाकी साइनोप्सिस एंड रिसर्च प्रपोजल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करें साइनोप्सिस की, तो साइनोप्सिस आपको समराइज वे में आप क्या करने वाले हैं वो आपको बताना होता है. आपने एक टेंटेटिव टाइटल लिया होगा रिसर्च प्रपोजल जब आपने सबमिट किया होगा इंटरव्यू के टाइम पे, है ना, तो उसी टाइटल के ऊपर आपको साइनोप्सिस प्रिपेयर करना होता है. हो सकता है आपके गाइड, क्योंकि ये गाइड अलॉट हो जाते हैं आपको तब तक, तो गाइडेंस के अंदर आपको साइनोप्सिस बनानी होती है, तो हो सकता है आपके गाइड थोड़ा वो चेंजेस करवा दें आपके टॉपिक के अंदर, ये भी पॉसिबल है. तो उसके ऊपर आपको साइनोप्सिस लगभग 20-25-30 पेज का बनाना रहता है. देन उसके बाद उस साइनोप्सिस को आप प्रेजेंट करते हैं. क्यों प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाए आपके जो टॉपिक है, जो टाइटल है उसके ऊपर, ताकि आप अपना थीसिस वर्क स्टार्ट कर सकें. देन आपका थीसिस वर्क स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप ये मोटी सारी थीसिस लिखना स्टार्ट कर देंगे. इसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स लिखने होते हैं वन बाय वन.
इंट्रोडक्शन से आप चालू होते हो, इंट्रोडक्शन आपको लिखनी होती है लगभग 30-40-50 पेज की आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जिसके अंदर आप उस टाइटल उस टॉपिक के रिगार्डिंग सारा इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर भी आप थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसकी पूरी कुंडली निकाल करके आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है, यानी कि इसके अंदर लगभग आपको 100 पेपर्स जो आपका मेन टाइटल है ना उसके रिगार्डिंग, मेन टॉपिक है, मेन एरिया है उसके रिगार्डिंग आपको उससे रिलेटेड 100 पेपर्स पढ़ने होंगे, रिव्यू करने होंगे, देन उसको बड़े ही समराइज तरीके से आपको वन बाय वन करके लिखना होगा कि एक्स वाई जेड पर्सन जिन्होंने रिसर्च किया है उस टॉपिक के ऊपर तो उन्होंने क्या कुछ फाइंड आउट किया है ना, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी होंगी, समराइज करके रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर लिखनी होगी, और लगभग 100 पेपर्स यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मेंशन करनी होती है, लाइक आपके ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, सैंपल साइज, सैंपल कैसे सिलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग टेक्निक, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेंशन करनी होती है। देन आपने जो हाइपोथेसिस सेट किए हैं उसको आप प्रूफ करते हो, यानी कि आप यहाँ पर डेटा को, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको बैठ करके आप एनालाइज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का आप यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत सारे आप टेस्ट अप्लाई करते हैं, देन एट लास्ट उसको डेटा को एनालाइज करने के बाद आप जो भी रिजल्ट निकालते हैं, जो भी आपकी फाइंडिंग, सजेशंस, कंक्लूजन्स होते हैं, देन वो आपको मेंशन करनी होती है थीसिस के अंदर। बाकी ये तो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, उसके अलावा थीसिस के आगे भी, चैप्टर्स के आगे भी बहुत कुछ होता है, फॉर एग्जांपल टाइटल पेज हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन, सब कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग में भी रहता है, और एट द एंड भी, फॉर एग्जांपल बिब्लियोग्राफी हो गया, रिसर्च पेपर्स के आपको सर्टिफिकेट्स, क्वेश्चनर, सब कुछ अटैच करना होता है, तो ये आगे पीछे का रहता है। मेन जो आपका काम रहेगा चैप्टर्स लिखने का वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके अलावा जब आप थीसिस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल में थीसिस लिखी है, तो जब आप थीसिस लिखते हैं तो उसके साथ साथ आपको ना रिसर्च पेपर्स भी लिखने होते हैं, वो रिसर्च पेपर छोटे छोटे आपको पेपर्स लिखने होते हैं जो आपका मेन टॉपिक है ना थीसिस का, उसी से ही रिलेटेड आपको 4 रिसर्च पेपर, कम से कम 4 रिसर्च पेपर आपको लिखने होते हैं, 2 उसमें से आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने होते हैं, और 2 आपको किसी भी पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करने होते हैं। बट यहाँ पर वेरिएशंस हो सकता है यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड करे, मतलब यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में ये चीज़ लिखी हो कि आपको पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश नहीं करवाने, आपको स्कोपस में पब्लिश करवाने हैं, सो इन दैट केस आपको स्कोपस में पब्लिश करवाने होंगे, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रिसर्च पेपर भी लिख लिए हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, दैट इज़ आपकी जो प्रोग्रेस होती है, यानी कि बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, क्या कुछ वो कर रहा है, कितना उसने 6 मंथ्स में किया है, तो वो एवरी 6 मंथ्स आपकी प्रोग्रेस भी चेक होगी कि आपने कितना काम कर लिया है और कितना काम आपका पेंडिंग है। डन, यहाँ तक आया समझ। इसके बाद आपका जो थीसिस का प्लेजरिज्म है वो चेक होने के लिए जाता है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, तो वो चीज़ प्लेजरिज्म आपका चेक होने जाएगा, और प्लेजरिज्म की रिपोर्ट अगर ओके आती है, ठीक आती है, देन इसके बाद प्री सबमिशन वाइवा होता है, प्री थीसिस वाइवा होता है। ये जनरली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वहाँ पे रहते हैं, कमेटी मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा कोई बाहर से नहीं रहता है जनरली, बाकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता हूँ गाइडलाइंस पे, बट जो प्री सबमिशन वाइवा होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे ही कंडक्ट किया जाता है। जितना भी आपने थीसिस में लिखा है ना, 350-300 जितने पेज की आपने थीसिस लिखी है, बेसिकली उसी थीसिस को आप शॉर्ट में पीपीटी में प्रेजेंट करते हो, आप उसकी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, देन उसके बाद उस पीपीटी के जरिए, उस पीपीटी के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी थीसिस को प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट वे में उन कमिटी मेंबर्स एंड प्रोफेसर्स के सामने। उसके बाद जब आपका प्री थीसिस वाइवा हो जाता है, प्रेजेंटेशन आपकी डन हो जाती है, देन आपकी जो थीसिस है ना वो रिव्यू होने के लिए जाती है एक्सपर्ट्स के पास। जर्नली 3 एक्सपर्ट्स रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, उनके पास आपकी थीसिस जाएगी रिव्यू होने के लिए। अगर वो कंफर्म करते हैं कि हाँ भी इस बच्चे की थीसिस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप इनका फाइनल वाइवा करवा दीजिए। तो वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को एक कंफर्मेशन मेल भेजते हैं। जब एक्सपर्ट्स की तरफ से कंफर्मेशन आ जाता है, देन बच्चे को एक कोई भी सुटेबल डेट दी जाती है, जिसके जिस दिन आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, फाइनल वाइवा होता है। जिस तरीके से आपका प्री थीसिस वाइवा हुआ है, उसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना होता है अपनी थीसिस को फाइनल वाइवा के दिन भी। बस फर्क इतना होता है कि फाइनल वाइवा के दिन बाहर से भी एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, आपसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे,
आपको उस दिन बस अपनी थीसिस को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन जब आप कर देते हैं, फाइनल हो जाता है, देन उसके बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका जो PhD डिग्री है वो आपको अलॉट कर देते हैं, यानी कि उस दिन फाइनली आप अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। उस दिन फाइनली आपकी PhD हो जाती है पूरी, सभी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। उस दिन आपका नोटिफिकेशन लेटर जो है वो इशू हो जाता है, फाइनली आपकी PhD उस दिन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि लाइक आपको करना क्या होता है PhD के अंदर, तो वो मैंने आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बता दिया है। सो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल रही आपके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।